मुझे छोड़ के रखा है। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। कल आप लोगों ने मुझे कितना ज्यादा संभाला है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि दीदी आपने फिर से बोल दिया कि आपका परिवार नहीं है, परिवार है ना आप लोग, मेरा परिवार। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सारा प्यार करते हो मुझे। यहाँ पे मैं पोहा खा रही हूँ, मैंने पोहा बनाया था और जरूर मैं आपको एक दिन जरूर शेयर करूंगी। तो आज मैंने बनाई थी मैगी और फाइनली हम लोगों ने मैगी वैगी खा के खाना भी बनाया है। खाना आप लोग बोलते हो कि डेली रूटीन शेयर करो दीदी, डेली रूटीन शेयर करो, तो थोड़ा सा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे फोन का भी इशू है। तो मैं जैसे ही नया फोन लेती हूँ तो आपको पूरा रूटीन वाइज आएगा, क्योंकि अभी क्या मेरे फोन में रैम कम है और स्टोरेज ज्यादा है, तो मैं एक वीडियो बहुत मुश्किल में मतलब कि कर पाती हूँ। ज्यादा बड़ा वीडियो बनाती हूँ तो स्टोरेज फुल हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। और बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्योंकि भैया का घर बन रहा है तो उनके यहाँ काम चल रहा है, तो इस वजह से आवाज आ रही होगी, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिए। और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते रहो, हमेशा करते रहो, यही चाहिए। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं और मैंने बहुत सारी चीजें सोची हैं। कितना ऑयल लगा रही हूँ मैं और जैसे लोग ऑयल करते रहते हैं, मैं और कर रही हूँ। मेरा मोस्टली काम फिनिश हो चुका है, यानी साफ सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस त्योहार आ रहा है यानी कि फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल में थोड़ा सा काम किया है कि मतलब कि देखो हमारे यहाँ क्या लड्डू शड्डू तो बनेंगे नहीं सब। तो अभी मेरा कोरियर आ गया था तो कोरियर मैं रिसीव करने गई थी, आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है इस कोरियर में क्या है। आप लोगों में से काफी लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, तो सॉरी मैं अभी नहीं बता सकती, उसका रीजन है आप जानते हो, जब भी मैं पुरानी बातें करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो पिछले साल मेरी दिवाली जो गई है, पिछले साल हमारे यहाँ एक दिया नहीं जला है पिछले साल हमारे यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहती कि इस साल भी हमारे घर में कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जब से मम्मी गई है तब से हमारे घर में कोई फेस्टिवल नहीं मनाया गया है, तो इस बार मैं दिवाली अच्छे से मनाना चाहती हूँ, धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। कोई खुशी ऐसी तो नहीं मिली है, खुशी आप लोगों की है कि आप लोग तो हो, अगर मेरा एक परिवार छूट गया तो दूसरा परिवार तो है। और इस टाइम पर इमोशनल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, नहीं कंट्रोल आप लोग बोलते हो ना लक्ष्मी रोया मत करो, तो लक्ष्मी नहीं रोना चाहती है लेकिन किस्मत है ना रुला देती है बार बार। कुछ लोग ताने ऐसे देते, इतने गंदे ताने दे देते हैं कि वो ना चाहते हुए दिल में चुभ जाते हैं। खा गई मतलब क्या होता है यार, कोई किसी को नहीं खा जाता है यार, जिसकी आ जाती वो चला जाता है, और जो बचा होता है उसके लिए ये बोलना कि खा गई ये चीजें मत बोला करो यार। अगर सुन नहीं सकते हो बुरा तो बोलो भी मत किसी के लिए, अगर अपने लिए बुरा सुन नहीं सकते ना तो किसी दूसरे के लिए बुरा मत बोलो आप लोग। तो वैसे तो मेरी YouTube की फैमिली जो है मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे इस चीज का प्राउड है कि आप लोग मेरे साथ हो। आप लोग कहते हो लक्ष्मी हमें तुम पे प्राउड है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि नहीं, मुझे प्राउड है कि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग अच्छी हो, आप लोग मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो, इतना ज्यादा प्यार देते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और वैसे थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा,
आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हो कि दीदी मैं नैनीताल से, दीदी मैं हरियाणा से, दीदी मैं यहाँ से, दीदी मैं वहां से। आप टेंशन मत लो, है ना आपकी छोटी बहन, है ना आपकी छोटी बहन। तो पहले मुझे लगता था भगवान ने मुझे भाई बहन क्यों नहीं दिया। मैं हर वैष्णो देवी में जाती थी, मत्था टेकती थी कि मुझे एक भाई दे दो, मुझे एक भाई दे दो। भगवान ने मुझे इतने सारे भाई बहन दे दिए कि अब मुझे जरूरत नहीं है किसी की, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ना कि अगर भगवान छीनता है तो भगवान देता है, तो भगवान ने आप लोगों को दे दिया। बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मांगना चाहती हूँ, आप लोग मेरा साथ तो नहीं तोड़ छोड़ोगे, कभी कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे। बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कभी मत छोड़ के जाना। अगर छोड़ के जाना है ना तो अभी चले जाना, लेकिन प्लीज बाद में मत छोड़ के जाना। क्योंकि मैं ना पापा से, हर किसी से घमंड में बोलती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली है ना, यूट्यूब की फैमिली, तो प्लीज आप लोग मत छोड़िएगा मुझे। अब आप लोगों के सारे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है। आप लोग बोल रहे पार्लर का कोर्स कर लो लक्ष्मी दीदी, तो पार्लर का कोर्स मैं जब ही करूँगी जब मेरी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि पार्लर के कोर्स में थोड़ा सा पैसा लगता है। और फ्री में मैंने पता किया था तो यहाँ पे नहीं हो रहा, कहीं पे यूपी स्टेट में पहले था, अभी तक आया नहीं है वो। तो पार्लर का कोर्स तो जब ही कर पाऊंगी जब मेरे पास पैसे आएंगे, तो पहले पैसे आ जाएं उसके बाद मैंने कुछ स्टडी करने के लिए भी सोचा है। मैंने पैसे फालतू खर्च करने के लिए नहीं सोचा है, या कोई शौक श्रृंगार नहीं करना है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि कुछ कर सकूँ लाइफ में, और आप लोगों को भी प्राउड हो कि हमने जिस लड़की को सपोर्ट किया ना, वो लड़की ने कुछ करके दिखाया। तो आपकी लक्ष्मी ने कुछ सोच के रखा है, तो आप लोग दुआ कीजिए वो जल्दी दुआ कबूल हो जाए और जल्दी से मेरी सैलरी आ जाए, जल्दी से मैं कुछ कर पाऊँ। और मैं किसी चीज़ का फॉर्म डालना चाहती हूँ, अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, फिर से कंटिन्यू अपनी स्टडी रखना चाहती हूँ, और पहले कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। अगर कोई जीवन साथी अच्छा मिलेगा तो देखती हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है। ये आप लोग बहुत से लोग बोलते हैं शादी कर लो शादी कर लो, शादी अभी नहीं करूँगी मैं। शादी अब जब ही करूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा डिपेंड हो गई हूँ अपने पे। क्योंकि अगर खुद से इंडिपेंडेंट हूँ ना तो शायद मुझे किसी की इतनी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, शायद अब मेरे पति को झुकना ना पड़े जो मेरे पति को बार बार झुकना पड़ रहा था। गलती मेरी भी है कि मैंने ऐसे परिवार में शादी की जहाँ पे उसके माँ बाप नहीं थे, पर सोचा ये था कि अपने पति के साथ आराम से इंजॉय करूँगी, कोई कुछ कहेगा नहीं, सब कुछ करूँगी। मेरी आदत थोड़ी अजीब थी, मतलब मोहित बैठता था ना कहीं पे भी तो मैं उसको, मुझे उस पर बहुत प्यार आता था, सच बता रही हूँ, इतना प्यार आता था। कहीं पे भी बैठा होता तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती थी, मेरा बाबू दद्दू 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 करके उसके, पता 24 घंटे मैं दद्दू करती रहती थी। स्टार्टिंग में गई थी तो वो कोचिंग के बच्चे लेने गया था, मुझे याद है, तो नानी बैठी हुई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी इनके बिना। तो मैं बैठी, नानी कह रही क्या बात है तुम इतनी शांत क्यों बैठी। मैंने कहा आपने क्यों भेजा, क्यों भेजा, नहीं भेजना चाहिए था ना, नहीं भेजना चाहिए। और मेरे आंखों से आंसू आ गए, मतलब कहीं भी ये जाते थे ना मुझे रोना आ जाता था, और ये मेरी दुनिया छोड़ के चले गए। इस इंसान के बिना मैं रह नहीं पाती थी, ये दुनिया छोड़ के चला गया। कितना प्यार किया इस इंसान को, पता है आप देखोगे ना मेरे वीडियो, मेरी मम्मी एडमिट थी, हमारे बीच में डेली लड़ाई होती थी, लेकिन पता है जैसी रात होती थी ना और मैं खूब नाराज बैठी हूँ और मैं जमीन में लेट जाती थी जाके, तो पता है ये क्या करता था, ये आता था कंबल बिछाता था और मुझे कंबल में रखता था और पता है कंबल किस तरफ, जहाँ पे कंबल बिल्कुल अपनी तरफ खुला रखता था मेरी तरफ बंद रखता था, अपनी बीवी को सिक्योर रखता था, मतलब मुझे हमेशा ढांक मूंद के रखता था, कभी खुला नहीं रखता था। तो मैं पूछती थी कि यार मुझे तुम बड़ा ढाक मूंद के रखते, तो कहता तू मेरी इज्जत है। तो मैंने एक दो बार बोली मामी को तुमने कभी नहीं बोला, बोले अरे वो तो ऐसी ही है, उनका उनकी जैसी तुम्हें नहीं बनाना, मुझे उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाना। अच्छा था पर गलत संगति में था, कहते ना संगति अगर खराब हो तो इंसान बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो वो औरत जो थी उसका रहना वगैरह तो मोहित को भी पसंद नहीं आता था, लेकिन मोहित क्या करता, वो ऐसे ही दलदल में खुद फंसा था। आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो चीज मैं फेस करके आई हूँ, आप लोग ने वो चीज फेस नहीं की। कुछ लोगों ने, आप लोग बोलते हो कि नहीं मामी का पूरी गलती मामी की नहीं है, पूरी गलती मामी की नहीं है,
मैं ये कहती हूँ कि उसमें मोहित की गलती नहीं है, उसमें मामी की गलती है। वो लड़का नशा का आदी हो गया था, अगर वो नशे का आदी नहीं होता तो वो मामी के साथ गलत संबंध भी नहीं बनाता। वो सिर्फ पैसे कहाँ से आते थे, वो मामी देती थी पैसे गलत चीजों के लिए, तो वो इस चीजों के लिए आदी बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो मामी का। मामी तो अपनी हवस पूरी कर रही थी, हवसी औरत थी मामी। तो मुझे लगता है उस मामा की गलती है, उस मामी की गलती ज्यादा है। मामा की गलती ये है कि उसने अपनी औरत को सुख नहीं दे पाया, अगर सुख दिया होता तो शायद उसकी औरत यहाँ वहां मुंह काला नहीं कराती। और बहुत सी औरतें हैं जो घर में ही रह के मुंह काला कराती हैं और सोचती हैं कि अरे हम शरीफ भी बने रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहुत सी औरतें होती हैं ऐसी। और हम औरतें जो होते हैं ना, जब शादी करके जाते हैं तो अपने पति की रग रग से बाकी होते हैं, रग रग से। तो इसलिए कहती हूँ कि पता है, हर औरत अपने पति की रग रग से बाकी होती है और हर आदमी अपनी औरत की रग रग से बाकी हो जाता है। ये जो शादी होती है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इस पवित्र रिश्ते को जब इंसान दोनों बनते हैं ना, तो अपनी औरत की हरकतों में और आदमी अपनी औरतों की हरकतों को पकड़ लेगा और एक औरत अपने आदमी की हरकतें पकड़ लेगा। तो आप लोग कहते हो कि कैसे पता चला फर्स्ट टाइम, कैसे पता चला तुम्हें कि ये मामी का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? मुझे सच में पता नहीं चल पाता, लेकिन मामी ने खुद से जताया सामने से। कब जताया? जब मोहित आधी रात में मेरे लिए कहीं पेस्ट्री लेके आ रहा, कहीं कुछ खाने के लिए लेके आ रहा, तब मामी को जेलसी होना चालू हुआ और मामी ने फिर अपनी हरकतें खुल के करना चालू कर दिया। जब वो पीछे करती थी समझ में आता था, लेकिन खुद चीजें फिर उसने जानबूझ के करना चालू कर दिया। आप लोगों में से कई बार ये चीजें बोलती है, तुम्हारे मन का शक है, भ्रम है, शक है, भ्रम है। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि शक है मेरा, मैं मेरा भ्रम है, लेकिन एक बात बताइए, उस शक को बढ़ावा क्यों दिया गया? सोचना कभी, उस शक को बढ़ाया क्यों गया? मेरे घर में मेरी मम्मी की तेरहवीं में कौन सी मामी अपने भांजे को होठों पे चुम्मा देती है? बताना, ये चीज मुझे बताना, क्या आपकी मामी अपने भांजे को किसी की तेरहवीं में चुम्मा देती है जाके, वो भी होठों पे? बताना। मेरे लिए तो चाय के लिए बोल दिया था पाप पड़ेगा, और कौन सी मामी अपना जूठा, कौन सी मामी अपना जूठा खिलाती है भांजे को? बताना जरूर आप लोग।